आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर शिक्षकों ने बुलंद की आवाज। खबर जनपद भदोही से है, जहां ऑल टीचर्स एंड एम्प्लाइज वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले शिक्षकों ने शुक्रवार को रैली निकालकर पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने की मांग की। खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय से संगठन के जिलाध्यक्ष अनिल भट्ट के नेतृत्व में निकाली गई रैली में सैकड़ों शिक्षक पदयात्रा कर कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां पर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। वक्ताओं ने कहा कि सरकार की ओर से वर्ष 2005 से पुरानी पेंशन व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। पुरानी पेंशन व्यवस्था को समाप्त कर बाजार आधारित नई पेंशन व्यवस्था लागू कर दिया गया। आरोप लगाया कि कर्मचारियों के हित के लागू आजादी के बाद की पेंशन व्यवस्था समाप्त कर सरकार का रुपया निजी कंपनियों के पास जमा किया जा रहा है। ऐसे निवेश किए गए रुपयों का कोई भविष्य नहीं है। गारंटी और सुरक्षा के अभाव में कंपनियां सरकारी रुपयों को हजम करने के बाद दिवालिया हो जा रही है। सरकार की इस तरह की अन्यायपूर्ण व विभेदकारी नीति को संगठन व कर्मचारियों की ओर से कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस दौरान तपन मौर्य, नरेंद्र कुमार सिंह, इंद्रमणि मिश्र, आलोक मिश्र, मन्ना लाल यादव, राकेश पांडे, धीरज सिंह, प्रतीक मालवीय व माया त्रिपाठी, रितेश तिवारी, दिलीप शुक्ला, क्रांतिमान शुक्ला, अनुराधा जायसवाल, जया त्रिपाठी, रेखा जायसवाल, पूजा मिश्रा, नीलम, ऋचा शुक्ला, संजय राय, संतोष सिंह, शिरीष त्रिपाठी, वेद प्रकाश मिश्रा, गोपेश मिश्रा आदि उपस्थित रहे। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। मैं अनिल कुमार भट्ट, अटेवा जनपद भदोही का जिलाध्यक्ष हूँ। हम लोग पुरानी पेंशन की मांग में आज पदयात्रा निकाले हुए हैं, और ये पदयात्रा केवल भदोही जनपद में ही नहीं, उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों में एक साथ एक समय निकाली गई है। और जब तक पुरानी पेंशन की बहाली नहीं हो जाती, तब तक हम लोग इस लड़ाई को अनवरत जारी रखेंगे। एनपीएस हमें कतई मंजूर नहीं है। निजीकरण का हम खुलकर विरोध करते हैं, और हमको पुरानी पेंशन ही चाहिए, उसके नीचे कोई समझौता नहीं। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं, ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी हमें नीचे लिखे नंबरों पर दे सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं।